हे hey, क्या आप जानते हैं कि ये मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ? अगर नहीं तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ड्रॉअर अपने आप कैसे खुल सकता है और कैसे बंद हो सकता है। तो अगर आपको ये जानना है कि ये चीज़ें मैं कैसे कर पा रहा हूँ तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक नीचे सरफेस बना लेता हूँ, ठीक है, एंड इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैं कुछ, ये मेरे पास एक प्लेसअप करके एक प्लगइन है जो कि फ्री में कुछ ब्लॉक्स देती है बने बनाए अपने, ठीक है। इजीली बस ये शेप्स जो बने हुए हैं वो आपको एक कंपोनेंट में मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे देखिए ये एक शेप है, सिर्फ आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट है, आप इसे यूनिट में चेंज करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका काम इतना ही है। अभी क्या है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ दो चीजें, वो है JHS पावर टूल की मदद से। ये भी फ्री टूल है, ये फ्री प्लगइन है, आपको मिल जाएगा। तो अब है क्या इसमें, इसमें देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक ये है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ बाहर से लाते हैं कई बार, और ऐसे सरफेस हवा में रहता है, या कई बार हम नीचे रखने की कोशिश करते हैं और वो सरफेस पे इधर उधर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अगर मैंने ये रखा, मैं नीचे लाने की कोशिश की लेकिन ये कहीं और ही आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसे पकड़िए और उसके बाद इस पर ड्रॉप कीजिए। तो नॉर्मल जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहाँ सरफेस था नीचे वहाँ अपने आप आ गया, लेकिन जहां नीचे नहीं था वो जगह रह गई, वो मतलब मॉडल रह गया। तो मैं इसे पूरा करता हूँ, इसे सेल करके ड्रॉप करता हूँ, और ये देखिए हो गया, ठीक है। सेम अगर ये जो जगह है, आपको मान लीजिए कि पता है कि मुझे कितना नीचे लाना है यहाँ से, तो आप इसमें लेवल डाल सकती हैं। यहाँ मुझे 6 इंच करना है तो 6 एंटर कर, और ये 6 इंच नीचे आके रुक गया अपने, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। दूसरा है हमारा कंपोनेंट, कई जगह पे आता है, जैसे फर्नीचर्स एक ही तरीके के हैं और बहुत सारे हैं। मान लीजिए कि यही है, मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के फर्नीचर हैं, और मुझसे कहा गया कि सिर्फ ये जो फर्नीचर है स्पेसिफिक, यही सब जगह लगाओ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसे उठाना पड़ेगा पहले, तो हर जगह एक एक करके फिक्स करना पड़ेगा, है ना। सही से सेंटर ढूंढो और लोकेशन वो करो। उसके बाद इससे बढ़िया है कि इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आइए आपने इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको जिसे भी इसमें कन्वर्ट करना है सिंपली उस पर सिर्फ क्लिक कीजिए एंड वो अपने आप हो जाएगा। ये देखिए ये ग्रुप नहीं हुआ, बाकी सब हो गए लेकिन ये नहीं हुआ, क्यों? हालांकि अगर मैं इसे सेलेक्ट करके इसे और इन्हें भी सेलेक्ट करूं तो ये भी देखो ये चीज भी सेम उसी तरीके से बन गई, ठीक है, जो ये सेफ है। लेकिन ये नहीं बना, क्यों? इनमें और इनमें क्या दिक्कत थी, अलग थी। तो ये है एक ग्रुप, अगर आप इसे यहाँ चेक करें तो ये देखिए ये एक ग्रुप है, लेकिन ये जो सब थे ये सब कॉम्पोनेंट थे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ठीक है, ये सब कंपोनेंट है और ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंपोनेंट्स पे काम करेगा, ग्रुप पे नहीं करेगा, ठीक है। आप फिर से देखो, पहले इसे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ जाना है, एंड देन उसके बाद जिसे भी चेंज करना है सिंपल उन सबको एक तरीके से जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे वहां उन्हें सेलेक्ट करेगा वो, और आप एक बार सिर्फ क्लिक करो और वो चेंजेस हो जाएंगे। जो ग्रुप होंगे वो नहीं होगा, कंपोनेंट्स सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज तो हमारे हो गए। अब एक और चीज है, ये है एक्साइटेबल, जिसे आप अच्छे से बनाकर इसे सेम जैसे हम रियल लाइफ में इसे देखते हैं, और ड्रॉअर को खुलना और क्लोज होना, वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीखना है
तो बहुत ही छोटा सा इंटरफेस है इसका। तो आप जाइए जरूर से मेरे इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने इस वीडियो में इस पूरे टेबल को बनाया भी है एंड साथ में ये भी दिखाया है कि ये एनिमेट कैसे करेगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आपको ये एनिमेशन वाला प्लगइन कहाँ मिलेगा, तो आपको इसके लिए सिंपल जाना है अपने एक्सटेंशन वेयर हाउस पे और यहाँ सर्च करना है DBS मूव रोटेट ओपन क्लोज। ये देखिए, ठीक है, आप इसे जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्री है, आप सिंपल इसे यहाँ क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी यूज करना मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें।